जनटीवी राजस्थान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग और उनसे संबंधित परेशानियां दूर करने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। राजसीको चेयरमैन राजीव अरोड़ा को काउंसिल का पहला निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। उद्योग भवन में रखी गई बैठक में अरोड़ा ने काउंसिल की पहली बैठक में सभी डायरेक्टर्स की मौजूदगी में कहा कि काउंसिल का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में 1,00,000 करोड़ के निर्यात के लक्ष्य को छूना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सहज औद्योगिक नीतियों के चलते पिछले 4 साल में निर्यात में लगभग 37% की ग्रोथ देखी गई है। काउंसिल में 21 संस्थापक सदस्य, 7 निदेशक, 1 वाइस चेयरमैन और 1 चेयरमैन चुने गए हैं। संवाद हमेशा बना रहेगा हमारे और केंद्र सरकार के बीच में। अगर मेरे पास कोई टेक्सटाइल की समस्या आती है तो हम अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वालों से बात करेंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी की समस्या आती है, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वालों से बात करेंगे। जो समस्या का समाधान हमारी तरफ से हो सकता है वो हम करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने अनुरोध करा है कि राजस्थान से जो कंटेनर से सामान जाता है उसके चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि कंटेनर आजकल चाइना ने उसके ऊपर अपनी गिरफ्त कर लिए बहुत ज़्यादा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब्सिडी राज्य सरकार प्रदान करे। ये सब्सिडी केंद्र सरकार प्रदान नहीं करेगी, राज्य सरकार सब्सिडी देगी निर्यातकों को। तो ये काम तो राज्य सरकार कर सकती है जब हम उनसे मांग करेंगे।